नमस्कार, आज इस वीडियो में हम क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर QRM मैकेनिज्म किस प्रकार से कार्य करता है यह जानेंगे। हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं कि इस वीडियो को देखने के पश्चात विद्यार्थी वर्णन कर सके क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर QRM मैकेनिज्म की कार्यप्रणाली का मॉडल डेमोंस्ट्रेशन के माध्यम से, जो कि इस वीडियो में दिखाया गया है। यह हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल है, जबकि अप्लाई लेवल पर वो गणना कर सके एंगल रिटर्न स्ट्रोक के द्वारा बनने वाला समय अनुपात, स्लॉटेड लीवर का फिश लिंक के साथ एक्सट्रीम पोजीशन में बनने वाला कोण तथा कटिंग स्ट्रोक की लंबाई के बारे में। की कॉन्सेप्ट जो कवर किए गए हैं वो क्विक रिटर्न मोशन या त्वरित वापसी मोशन और समय अनुपात से संबंधित गणना है। पुनः आप इस वीडियो को देखें, जो कि हम वाट में भी देख चुके हैं। इसमें कार्यप्रणाली को मॉडल के माध्यम से समझाया गया है। वीडियो की अवधि 1 मिनट 7 सेकंड से 2 मिनट 47 सेकंड तक कुल 1 मिनट 40 सेकंड की है, जबकि समय अनुपात की गणना के लिए 2 मिनट 47 सेकंड से 4 मिनट तक 1 मिनट 13 सेकंड के लिए। इस प्रकार इस वीडियो का जो अवधि आप देखें 1 मिनट 7 सेकंड से 4 मिनट तक कुल 2 मिनट 53 सेकंड तक के लिए देखें। हम रिकॉल करें कि हमने वाट में क्या देखा था। हमने वाट में ये देखा था कि क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर QRM क्या होता है। इसमें मुख्य था 4 काइनेमेटिक लिंक्स और 4 पेयर होते हैं। 4 काइनेमेटिक लिंक्स हैं, पहली स्लॉटेड लीवर, दूसरी क्रैंक, तीसरी फिक्स लिंक और चौथी स्लाइडर, जबकि पेयर स्लॉटेड लीवर और स्लाइडर के बीच में बनने वाला स्लाइडिंग, बाकी अन्य 3 जो है बी सी और डी, ये हमारे टर्निंग पेयर। अब हम कार्यप्रणाली के बारे में जानेंगे। यहाँ पर ये जो चित्र लिया गया है इसका सोर्स दिखाया गया है। इसमें आप देख रहे हैं कि 4 लिंक बताई गई हैं। लिंक नंबर 1 स्लाइडर, लिंक नंबर 2 क्रैंक, लिंक नंबर 3 फिक्स, लिंक नंबर 4 स्लॉटेड बार तथा 3 टर्निंग पेयर ए बी और सी और 4th टर्निंग पेयर। इसी कार्यप्रणाली के बारे में आप देखें कि जब हमारा लीवर AP1 एक्सट्रीम पोजीशन B1 पर है तो हमारा क्रैंक भी B1 पर है। जब ये क्रैंक B1 से B से होता हुआ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में B2 की ओर आता है तो उस दौरान इसका जो एंगल ऑफ रोटेशन है बीटा वो 180 डिग्री से ज़्यादा होता है। जब हमारी क्रैंक B1 से B से होते हुए B2 की ओर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आती है उस दौरान हमारा स्लॉटेड लीवर P1 से P से होता हुआ P2 की ओर ऑस्किलेट करता है तथा रैंप पर माउंटेड टूल जो हमारा है वो R1 से R2 की ओर अलॉन्ग द लाइन एक्सप्रेस चलता है। इसको हम कटिंग स्ट्रोक के नाम से जानते हैं। आप देख रहे हैं कि लीवर के पश्चात टूल तक हमारे लिंकेज हैं, कनेक्टिंग रॉड और रैंप। यह क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म के पार्ट नहीं है, बल्कि ये लीवर से टूल को मोशन देने के लिए लिंकेज के रूप में उपयोग में लाए गए हैं। नेक्स्ट, B2 से B1 की ओर जाते हुए क्रैंक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अल्फा कोण बनाती है और लीवर हमारा P से वापस होता हुआ P1 की ओर आता है तथा टूल अलॉन्ग द लाइन ऑफ स्ट्रोक R2 से R1 की ओर आता है, जिसको हम रिटर्न स्ट्रोक के नाम से जानते हैं। इस कार्यप्रणाली में आपने देखा कि कटिंग स्ट्रोक के द्वारा बनने वाला कोण बीटा अल्फा की तुलना में ज्यादा है, अतः कटिंग स्ट्रोक जो है वो हमारा ज्यादा समय लेगा और उसमें मेटल रिमूवल होगा, जबकि रिटर्न स्ट्रोक के दौरान हमारा टूल आइडल रहता है और वो शीघ्र वापस आएगा क्योंकि अल्फा का मान बीटा की तुलना में कम है। क्योंकि कटिंग स्ट्रोक ज्यादा समय लेता है और रिटर्न स्ट्रोक त्वरित वापस होता है, इसलिए हम इसको त्वरित वापसी या क्विक रिटर्न मोशन के नाम से भी जानते हैं। मेनली इसको क्विक रिटर्न मोशन के कारण ही जानते हैं। इनके एप्लीकेशन पार्ट में देखेंगे कि हम इसका उपयोग कहाँ करते हैं। इस प्रकार आपने कार्यप्रणाली में देखा एक बार पुनः कि क्रैंक क्लॉकवाइज रोटेट होती है, कटिंग स्ट्रोक के दौरान बीटा एंगल बनाती है, टूल हमारा R1 से R2 की ओर जाता है, जबकि B2 से B1 की ओर जब क्रैंक अल्फा बनाती है उस दौरान हमारा रिटर्न स्ट्रोक R2 से R1 की ओर होता है। इस कार्यप्रणाली में कुछ गणनाएं सम्मिलित हैं जिनको हम
देखते हैं। गणना में हम मुख्यतः चार गणनाएं करते हैं। एक कोण जो कि रिटर्न स्ट्रोक के द्वारा बनाया गया है, रिटर्न स्ट्रोक मतलब अल्फा। दूसरा समय अनुपात, कि हम जान रहे हैं कि कटिंग स्ट्रोक के द्वारा बनाया गया कोण ज़्यादा है रिटर्न स्ट्रोक से, तो इनका अनुपात क्या होगा, इसी को हम समय अनुपात के नाम से जानते हैं। एक्सट्रीम पोजीशन पर स्लॉटेड लीवर फ्रेम के साथ जो कोण बनाता है वो हम निकालेंगे, और कटिंग स्ट्रोक की लंबाई। सर्वप्रथम हम देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल ए बी वन सी में। इसमें देख रहे हैं कोण बी वन हमारा 90 डिग्री है, जबकि कोण सी हमारा अल्फा का हाफ है। तो कॉस अल्फा बाई टू जो होगा वो होगा हमारा बी वन सी बेस अपॉन विकर्ण ए सी। तो बी वन सी को हम क्रैंक रेडियस आर के नाम से भी जानते हैं, जबकि ए सी को हम लेंथ ऑफ फेस लिंक के नाम से भी जानते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि ये एंगल का मान हम वेरी कर सकते हैं सिर्फ क्रैंक रेडियस को वेरी करके, क्योंकि लेंथ ऑफ फिसलिंग तो हमारी फिक्स है। इस तरीके से हम यहाँ पर अल्फा का मान आवश्यकता के अनुरूप ले सकते हैं। द्वितीय आप देख रहे हैं टाइम रेशियो निकालना है। टाइम रेशियो बहुत ही सिंपल है, कटिंग स्ट्रोक के दौरान लिया गया समय बटे रिटर्न स्ट्रोक के दौरान लिया गया समय। समय के स्थान पर हम यहाँ पर कोण लेते हैं बीटा बटे अल्फा, क्योंकि हमें अल्फा याद है तो हम इसको निकाल लिया है हमने, इसलिए हम 360 माइनस अल्फा बटे अल्फा या बीटा बटे 360 माइनस बीटा से भी निकाल सकते हैं, बट इन सारे केसेस में जो समय अनुपात होगा वो हमारा एक से ज़्यादा होगा, तभी ये त्वरित वापसी कहलाएगा। हम एक और एंगल निकाल रहे हैं एक्सट्रीम पोजिशन पर, क्योंकि ये हमारा 90 है, ये अल्फा बाई 2 है, तो ये वाला कोण हमारा 90 माइनस अल्फा बाई 2। इसका उपयोग हम कटिंग स्ट्रोक की लंबाई निकालने के लिए, कटिंग स्ट्रोक की लंबाई निकालने के लिए हम राइट एंगल ट्रायंगल ए पी वन क्यू, जिसमें क्यू कोण 90 डिग्री का है, उसको देखें। हमें चाहिए आर वन आर टू लेंथ ऑफ कटिंग, ये इक्वल होगी कॉर्डल लेंथ पी वन पी टू, और पी वन पी टू बराबर होगा साइज ऑफ पी वन क्यू। तो ये पी वन क्यू का मान हम निकालेंगे राइट एंगल ट्रायंगल से, जिसमें कि पी वन क्यू बटे ए पी वन ये होगा साइन 90 माइनस अल्फा बाई टू। इस प्रकार कटिंग स्ट्रोक की लंबाई होगी आर वन आर टू बराबर पी वन पी टू बराबर टू पी वन क्यू बराबर टू पी वन क्यू की जगह पर आएगा लेंथ ऑफ स्लॉटेड लीवर ए पी वन इंटू साइन 90 माइनस अल्फा बाई टू। तो ये हमारी गणना है जो कि हम सामान्यतः कैलकुलेशन के लिए करते हैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि आगे हम कहाँ पर इसका एप्लीकेशन होगा वो देखेंगे। अब हमारी ये लेक्चर यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।